कहते हैं कि भगवान पैसे दे तो मैं काम करूं, भगवान कहते तू काम करे तो मैं पैसे दूं। सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता जिसने कभी फेलियर देखा नहीं है या जो कभी गिरा नहीं है। सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो गिरने के बाद वापस उठा है। ज्ञानी को भी सुनो और मूर्ख को भी सुनो, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। आइए नमस्ते, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए मुझे। और सबसे पहले तो विवेक बिंद्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इतने सुंदर सेशन में। जब मैंने अपना पहला मोटिवेशनल सेशन किया था तो जब मैंने सीए के स्टूडेंट्स को उस वक्त समझाया था कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए किन स्किल्स की ज़रूरत है, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपका दिमाग कैसा होना चाहिए, और जब वो सेशन करके मैं आई थी तो मेरे एक क्लासमेट ने मुझे मैसेज किया था कि जब उनको बताया तो अपने मैथ्स का मार्क्स बताया क्या। तो मैंने उससे यही कहा था कि मैं उनको ये बताने नहीं गई थी कि मार्क्स कैसे लाए जाते हैं, क्योंकि मेरे ही कभी नहीं आए अच्छे। तो मैं उनको ये नहीं बताने गई थी कि मार्क्स कैसे आते हैं, मैं ये बताने गई थी कि सक्सेसफुल कैसे होते हैं। क्योंकि ये याद रखिए, सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता जिसने कभी फेलियर देखा नहीं है या जो कभी गिरा नहीं है। सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो गिरने के बाद वापस उठा है, रुका नहीं है। तो प्रॉब्लम्स आती है, हो सकता है दुनिया को ना समझ आए, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तब आपका स्ट्रगल किसी को याद नहीं रहता। इसीलिए कई बार जब हम लोग इंटरनेट में अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हैं तो लोग कहते हैं आपके लिए बोलना आसान है। नहीं है, अब आसान है, हमने काम पहले किया है, स्ट्रगल हमने भी देखा है। तो कोई भी सक्सेसफुल इंसान, फॉर एग्जाम्पल अब आज आपको समझाया जाएगा तो आप ये माइंडसेट लेकर मत जाइएगा कि अरे उसकी तो इतने करोड़ों की कंपनी है, उसके लिए बोलना आसान है। आज है, पहले नहीं था, उसने भी मेहनत की है, आपके जैसे स्क्रैच से शुरुआत करी है, आपके जैसे उसको भी शायद लगा होगा कहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ, कौन सा रास्ता अपनाऊँ, कौन मुझे समझाएगा, पर उसने उन सभी का आंसर्स ढूंढा है, सल्यूशंस ढूंढे हैं, और तब जाके वो एक ऐसी पोजीशन पे आया है कि वो कुछ बोल रहा है तो आपको लग रहा है इसके लिए तो बोलना बहुत आसान है। आसान किसी के लिए नहीं होता। तो जो आपको आज टफ लग रहा है कल आपके लिए आसान होगा। तो यही डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन आपको आगे लेकर जाता है। और मैं भगवान के लिए भी यही कहती हूँ, जो लोग कई बार लोग आके भक्ति का मतलब ये सोचते हैं भगवान सब काम करेंगे, नहीं करेंगे, इतने पार्शल नहीं है भगवान कि यहाँ कोई और मेहनत कर रहा है और आप सिर्फ थोड़ी भक्ति करेंगे और भगवान करेंगे, इसको सफलता देता हूँ इसको नहीं, आपको नहीं मिलेगी। मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है, ये हमेशा याद रखें। ये वही बात है कि लोग कहते हैं कि भगवान पैसे दे तो मैं काम करूं, भगवान कहते तू काम करे तो मैं पैसे दूं। तो काम आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, गिरकर उठना आपको ही पड़ेगा, और तभी जाकर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ जाओ तो फिर ये याद रखना कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप लोगों को ढूंढ रहे थे कि कोई मेरी मदद कर दे, मुझे रास्ता दिखा दे, मुझे समझा दे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, और हो सकता है कुछ को लोग मिले होंगे, कुछ को नहीं मिले होंगे, तो आप वो गलती मत करना कि आप किसी की मदद ना करें, तब अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर करना। क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तब कुछ और नए लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमको इनके जैसा। मैं हमेशा कहती हूँ कि काम के लिए आगे बढ़ो, मेहनत करो, पर जो है उस पर भी ध्यान दो, क्योंकि आपके पास जो है वो किसी और के जीवन का सपना है कि मुझे इतना मिल जाए बस। तो जो आपको अभी कम लग रहा है वो किसी और के लिए इतना काफ़ी है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान, अपने प्रेजेंट को कोसने की ज़रूरत नहीं है, भगवान को कोसने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं दिया वो नहीं दिया ऐसा नहीं किया, जो दिया उसका क्या, उस पर तो ध्यान दो। तो अक्यूमुलेट नहीं करना है, मेहनत करनी है, काम करना है, फिर उसको इन्जॉय भी करना है। ज़िंदगी एक ही है, बार बार नहीं मिलेगी आपको, और मिलेगी भी तो किस योनि में मिलेगी पता नहीं। तो इंसान की अभी मिली है तो हर चीज़ बैलेंस बना के चलो। मैं ये भी नहीं कहती कि एक ही ज़िंदगी है तो कुछ करो ही मत, बर्बाद कर दो मस्ती में, नहीं,
काम भी करो पर और जो चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान दो। तो ज़िंदगी को जानना शुरू करो, व्यक्तियों को जानना शुरू करो। हर कोई कुछ ना कुछ सिखाने बैठा है, हर किसी को सुनो। और ये मैं इसीलिए कहूँगी कि ज्ञानी को भी सुनो और मूर्ख को भी सुनो, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ना हो मूर्ख को ये सोचकर नहीं सुना कि तो मूर्खों वाली बातें कर रहा है, कल को खुद वही हरकत कर रहे हो क्योंकि उसको सुना नहीं। इसलिए सुनिए सबको, सीखिए सबसे, जिंदगी भर सीखते रहिए। मैंने हमेशा एक बात कही है कि भगवान के लिए जिंदगी का मतलब जीत हार कभी नहीं था, उनके लिए जिंदगी का मतलब केवल सीखना था। तो इतने अच्छे से सीखो, इतने अच्छे से जिंदगी जियो। मुझे नहीं पता आपने वीडियो देखा है कि नहीं, और मैं हमेशा कहती हूँ ये जिंदगी आपकी अपनी एक मूवी है, देखा है ना। तो जिंदगी इतने अच्छे से जियो, इस पिक्चर को इतने अच्छे से जियो, अपने रोल्स इतने अच्छे से निभाओ कि जब ऊपर जाओ तो लोग बोले कि पिक्चर सुपर, दैट्स इट। थैंक यू सो मच।